अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। आज ना हम बनाने लगे हैं एक कहवा, बहुत ज़बरदस्त फैट लॉस, बेली फैट रिड्यूस करने के लिए बहुत बेहतरीन। स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। 1.5 मग पानी का लेंगे और इतना पकाना है हमने इसको कि ये हाफ मग रह जाएगा, ठीक है। अब चीज़ें देखते जाएँ इसके अंदर, साथ साथ आग जला लेंगे और 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। 1 इंच अच्छा बिग साइज़ का लेंगे और दालचीनी की जितने भी फ़ायदे आपको मैं बता दूं उतने कम हैं वेट लॉस के लिए, फैट लॉस के लिए और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए, ठीक है जी। 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और इसको बॉयल आने देंगे। बॉयल जैसे ही आ जाएगा उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे हम पुदीने के पत्ते 10-12 के करीब, ठीक ठाक अच्छी जितनी मुट्ठी भर के पुदीना होगा ना उस तरह से हम इसको ऐड कर देंगे। पुदीने से क्या होता है कि मैदे की तेजाबियत ख़त्म होती है। अगर आप डाइट पुअर कर रहे हो या आपको जंक ज़्यादा खा रहे हो तो आपका मैदा अपसेट हो जाता है, ठीक है। तो पुदीना जो है वो इसको मैदे की तेजाबियत को ख़त्म करने के अंदर पुदीने का कहवा बहुत ज़बरदस्त काम करता है। 1 लेमन ले लेंगे जिसको निचोड़ लेंगे हम जूस इसका अलग से, और जो छिलका है उसको हम डाल देंगे कहवे के अंदर ही, ठीक है। जिस तरह आप देख रहे हो कहवा पक रहा है और अभी हम इसके बीज निकाल देंगे और इसके जितना रस है लेमन का वो हम निचोड़ लेंगे मग में। इसको हमने कुक नहीं करना, लेकिन जो इसका छिलका है ना लेमन का उसको हम कुक करेंगे कहवे के अंदर साथ। जब तक ये सारा कुछ हो रहा है तब तक मैं आपको याद दिला दूं कि YouTube की इस बड़ी सी दुनिया में छोटी छोटी आसान रेसिपीज़ और रेमेडीज़ वाला चैनल आप गुमराह कर दें, उसके लिए ज़रूरी है कि अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, रेड बटन को क्लिक करें, बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी दोस्ती और मजबूत हो सके। कहवा तो बन ही रहा है, साथ साथ मैं आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज भी बताऊंगी जो कि आप आराम से घर में कर सकते हो। बगैर एक्सरसाइज के, बगैर बॉडी मूव किए आप कभी भी वेट लॉस नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा मिथ है। अगर कोई आपको कहता है कि जी कहवे पी के आप वेट लॉस कर सकते हो, आप नहीं कर सकते। पहली एक्सरसाइज है वॉक करनी है आपने एक ही जगह पे खड़े होकर, जिस तरह से इमेज में शो किया। दूसरी एक्सरसाइज है स्टैंडिंग क्रंचेस, इससे आपकी लोअर बेली के ऊपर बहुत इफेक्ट आएगा। क्रॉस टच करना है आपने, स्टैंडिंग क्रंच करना है, अपने पेट को अच्छी तरह से इंगेज करना है। तीसरी एक्सरसाइज है साइड क्रंचेस, इसके ऊपर आपने अपनी एल्बो को नी पे टच करना है और ये आपके जो साइड्स के ऊपर जिसको पंजाबी में कहते हैं पल्ले निकल आए हुए हैं ये उसके लिए बहुत अच्छी है। चौथी एक्सरसाइज है आर्म्स रोटेशन, आपने 10 टाइम्स आर्म्स को रोटेट करना है क्लॉकवाइज और 10 टाइम्स रोटेट करना है एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह आपने 30 टाइम्स करना है, ठीक है। यह आपके जो कंधे के ऊपर गोश्त आ जाता है ये उसके लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है। पांचवी एक्सरसाइज है स्टैंडिंग लेग रेजेस, आप किसी भी दीवार का सहारा लेकर टांग को इस तरह ऊपर नीचे करेंगे, ये आपके इनर थाइस के लिए और आउटर थाइस के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है। सारी एक्सरसाइजेस को आपने 10-10 टाइम्स करना है और फिर ब्रेक लेनी है, फिर 10-10 टाइम्स करना है और ब्रेक लेनी है। इस तरह आपने 30-30 करके पाँचों एक्सरसाइजेस करनी है और देखना कितना ज़बरदस्त फ़र्क पड़ेगा आपको। और ये कहवा ऊपर से आप पी लोगे, कहवे की टाइमिंग ये रखो कि जिस टाइम सुबह उठे हो निहार मुँह एक दफ़ा आप तब पी लो और उसके 2 घंटे के बाद आपने नाश्ता करना है, ठीक है। और रात को खाना खा लेना है आपने 8 बजे के करीब, इससे ज़्यादा लेट नहीं करना, और खाना खाने के 1 घंटे के बाद आपने ये कहवा पी लेना है। दिन में 2 दफ़ा ये कहवा पिएं और साथ में ये एक्सरसाइजेस करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका पेट आपको विजिबली नज़र आएगा कि कितना ज़्यादा अंदर चला गया। एक्सरसाइज की डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, वहाँ से आप चेक कर लेना कि किस चीज़ को कितनी दफ़ा करना है और कैसे करना है। इंशाल्लाह आपको बहुत बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स नज़र आएंगे। ये थी जी आज की रेमेडी, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मस्त लाइक कर दें, कोई भी प्यारा सा कमेंट छोड़ दें, कुछ पूछना है तो पूछ लें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़रूर विजिट कीजिएगा, बहुत सी रेसिपीज़ अपलोडेड हैं, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, एक्सरसाइज की डिटेल्स वहाँ पर मेंशन होंगी कि कौन सी एक्सरसाइज को कितनी दफ़ा करना है आपने, ईच एंड एवरीथिंग डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।